हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंशियंट लोग जो हैं वो कहाँ रहते थे, सबसे पहले कौन कौन से अनाज उगाए गए या फिर कौन कौन से एनिमल्स को पाला गया, उनको रियर किया गया, उसके बारे में हमने पढ़ा था। कौन सी अर्लीस्ट सिटीज थी उनके बारे में, एक किंगडम के बारे में भी हमने पढ़ा था। ओके, और हमने ये भी सीखा था, ये भी हमने जाना था कि हमारे जो कंट्री है इंडिया, ठीक है, उसको इंडिया नाम कैसे मिला या उसको भारत नाम कैसे मिला। ओके, अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, और आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज के बारे में। ओके, जिसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि हिस्ट्री अ गेम ऑफ ट्रेजर हंट। हिस्ट्री क्या है? एक ट्रेजर हंट का गेम है। ओके, हिस्टोरियंस आर द स्कॉलर्स। स्कॉलर्स वैसे होते हैं जो बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं, ठीक है, जिन्होंने किसी सब्जेक्ट को प्रॉपरली स्टडी किया रहता है। तो हिस्टोरियंस आर द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियंस वैसे स्कॉलर्स हैं जो पास्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है, जो बीते हुए कल को स्टडी करते हैं या उन चीजों को स्टडी करते हैं। दे यूज सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, ठीक है, वो पास्ट तो पढ़ते हैं, अब क्या करते हैं, वो उस पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन पास्ट में क्या पढ़ते हैं, ऐसे थोड़े कि कुछ भी पढ़ लेंगे, वो सोर्सेज यूज करते हैं। ओके, इसलिए इनको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है, उन सोर्सेज को यूज करते हैं पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, मतलब वापिस से जोड़ने के लिए। जैसे आप एक पजल गेम खेलते हो तो उसमें चीजें अलग 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 रैंडमली वहां पर लगी रहती है, लेकिन आपको एक ऑर्डर में लगाना होता है। सो हिस्टोरियंस भी यही काम करते हैं कि जो पजल होता है, जो चीजें यूज करते हैं, जो वो सोर्सेज यूज करते हैं, उनको यूज करके वो पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट पास्ट, ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज हैं पास्ट को जानने की, या फिर इनको हम ये भी कहते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कौन कौन से हैं, थ्री टाइप्स के हैं, ठीक है, आपको इस क्लास में मेनली थ्री टाइप्स के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ने, कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। एक है हमारा, कैसे पता करते हैं हिस्ट्री के बारे में, बाय रीडिंग एंशियंट बुक्स। ओके, बाय रीडिंग एंशियंट बुक्स, ओके, और द बुक्स रिटन लॉन्ग अगो, बाय रीडिंग एंशियंट बुक्स, ठीक है, जो बहुत साल पहले लिखे गए, एंशियंट मीन्स बहुत साल पहले, रिटन लॉन्ग अगो। सेकेंड तरीका होता है बाय स्टडिंग द वर्ड्स। ओके, कुछ वर्ड्स को स्टडी किया जाता है, बाय स्टडिंग द वर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस, मतलब हार्ड सरफेस पर जिन चीजों को इंग्रेव किया गया, इंग्रेव करना मतलब खोदना, उस चीज को आप इरेज नहीं कर सकते हो, उसको कहते हैं इंग्रेव करना, ठीक है। तो उन चीजों को स्टडी करके भी हिस्ट्री का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। और थर्ड चीज है बाय स्टडिंग द ऑब्जेक्ट्स मेड लॉन्ग अगो, मेड एंड यूज लॉन्ग अगो, ओके, जिनको बनाया गया और यूज किया गया, ठीक है। तो कौन कौन से तरीके हो गए, फर्स्ट हो गया हमारा बाय रीडिंग एंशियंट बुक्स, ठीक है, जो बहुत सालों पहले लिखे गए थे बुक्स, उनको पढ़ के। सेकेंड हो गया हमारा बाय स्टडिंग द वर्ड्स इनग्रेव ऑन हार्ड सर्फेस। ओके, जरूरी नहीं है कि वर्ड्स हो, ये सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। ओके, तो जो चीजें लिखी गई हो हार्ड सर्फेस पर, उनको स्टडी करके। और थर्ड तरीका है, जो थर्ड वे है, सोर्स है, वो है ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करके, जो कि बहुत सालों पहले बनाए गए थे और यूज किए गए थे, ठीक है। ये तीन हो गए आपके सोर्सेज। अब इन तीन सोर्सेज को अपना एक अलग नाम दिया गया, ठीक है, उसको अब हम वन बाय वन पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा, नंबर वन है बाय रीडिंग एंशियंट बुक्स रिटन लॉन्ग अगो। एंशियंट बुक्स जिनको बहुत सालों पहले लिखा गया, कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इनको क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। ओके, अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड है, ये दो वर्ड्स को मिलाकर बना, ठीक है, लैटिन वर्ड, दो लैटिन वर्ड्स को मिलाकर बना है, जो कि है मैन्यू
एंड स्क्रिप्ट, ठीक है। मैन्यू का मतलब हो गया हैंड, ठीक है, और स्क्रिप्ट का मतलब हो गया राइटिंग, ठीक है, मतलब वैसी बुक्स जिनको हाथ से लिखा गया हो, ठीक है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शिलालेख, ओके, या हस्तलेख बोलते हैं, हस्तलिपि, इनको बोलते हैं हस्तलिपि या शिलालेख बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। अब किस पर लिखा जाता था इनको, इनको लिखा जाता था ड्राइड पाम लीफ पर, ठीक है। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको इरेज भी कर दूंगी। बाय राइटिंग ऑन ड्राइड पाम लीफ पर लिखा जाता था, ठीक है। और किस पर लिखा जाता था, थिन बार्क ऑफ बर्च ट्री, ठीक है, थिन बार्क ऑफ बर्च ट्री, उस पर लिखा जाता था, ठीक है। ये जो स्पेशल जो बर्च ट्री होती है वो कहाँ होती थी, हिमालयाज में, ठीक है। और क्या है, और किस पर लिखा जाता था, पेपर पर भी लिखा जाता था, ठीक है, ऑन पेपर। लेकिन ये पेपर जो है वो बहुत बाद में आया, ठीक है। जो एंशियंट लोग मेनली जिस पर लिखते थे वो थी ड्राइड पाम लीफ एंड थिन बार्क ऑफ बर्च ट्री, ठीक है, पेड़ की छाल पर लिखा जाता था। जो पेपर पर जो लिखे जाते थे वो तो सर्वाइव कर गए हैं, ठीक है, मैक्सिमम उनमें सर्वाइव कर गए हैं। लेकिन ये जो हैं, ये दो, इनको वो कुछ, उनमें से कुछ सर्वाइव कर पाए और कुछ नहीं भी सर्वाइव कर पाए, ठीक है, क्योंकि ये चीजें नेचुरल थी तो इनको इंसेक्ट्स खा जाते थे। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो रेगुलर लैंग्वेज में, जैसे हम आज लिखते हैं हिंदी इंग्लिश, उनमें नहीं लिखा जाता था, इनको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा जाता था, ठीक है। कैसे, कौन कौन से लैंग्वेजेस में लिखा जाता था, इनको लिखा जाता था पाली में, ओके, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में लिखा जाता था, प्रकृत लैंग्वेज में लिखा जाता था, ठीक है, और किस में लिखा जाता था, पाली में लिखा जाता था, ठीक है, पाली लैंग्वेज में लिखा जाता था। कुछ जो ऐसे थे जिनको अरेबिक में भी लिखा जाता था, ठीक है, और तमिल में भी लिखा जाता था, ठीक है, जिनको तमिल में भी लिखा जाता था, ठीक है। ये कुछ लैंग्वेजेस थे जिन मैन्युस्क्रिप्ट जो कि अक्सर इन्हीं लैंग्वेजेस में पाए जाते थे, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है क्लासिकल लैंग्वेज, जस्ट अ सेकेंड, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेजेस, ये सब थे क्लासिकल, संस्कृत, प्रकृत, पाली, अरेबिक, तमिल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि उन पाम लीव्स पर या उन जो बर्च ट्री है या पेपर पर क्या लिखा जाता था, ठीक है, ओके। तो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स पर क्या क्या लिखा जाता था, इन पर लिखे जाते थे कुछ रिलीजियस टेक्स्ट होते थे, ठीक है, रिलीजियस बिलीव्स, जो पुराने जमाने में लोग जो मानते थे जिन चीजों को, जैसे जो देवी देवता हैं उनको जो मानते थे, ठीक है, उन चीजों को ये इसमें लिखते थे, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ हो गए, बिलीव्स जो वो मानते थे, जो वो प्रैक्टिस करते थे, ओके, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। और क्या लिखते थे, किंग्स की जिंदगी के बारे में, ठीक है, किंग्स कैसे रखते थे, लाइफ ऑफ किंग्स, राजा, राजा लोग कैसे रहते थे, ठीक है, राजा रानी, मेडिसिन के बारे में थे, ठीक है, जो था ये बहुत वास्ट था, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में, ओके। इसके अलावा और ये लोग क्या क्या करते थे, एपिक्स, पोएम्स, ठीक है, इन चीजों को भी लिखते थे, प्लेज, जो नाटक वो लोग करते थे, जिसको ड्रामा भी आप कहते हो, ठीक है। तो जो जो सब्जेक्ट्स थे वो वास्ट थे, मेनली इन सब चीजों के बारे में वो लिखते थे, ठीक है। अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो बनता कैसे था, जो पाम लीफ है, द पाम लीव्स वर कट इन टू पेजेस, पाम लीव्स को क्या किया जाता था, पेजेस के शेप में कट कर दिया जाता था, या जो थिन बार्क, जो बर्च ट्री के जो बार्क थे उनको भी एक पेज की तरह एक पतला पतला काट दिया जाता था, ठीक है, एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स, और उनको एक साथ बांध दिया जाता था ताकि वो एक बुक की तरह लगे, ठीक है। फर्स्टली लेट मी शो यू हाउ वाज मैन्युस्क्रिप्ट मेड, ठीक है, ये आपकी बहुत एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट, इस तरीके से ये देखिए, ये बर्च ट्री है,
ठीक है, ये बर्च ट्री पर लिखा हुआ, इसी तरीके से पाम लीव्स पर भी लिखे जाते थे, इस तरीके से वो इनको बुक का एक फॉर्म दे देते थे। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो जनरली कहाँ मिलते हैं, लाइब्रेरीज में, आपको इधर उधर कहीं भी नहीं मिलेंगे, जनरली आपको लाइब्रेरीज में ही मिलते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा बाय स्टडिंग वर्ड्स डैट आर एनग्रेव ऑन हार्ड सर्फेस, ठीक है, कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, वैसे वर्ड्स या सेंटेंसेस जिनको हार्ड सर्फेस पर इनग्रेव किया गया है। ओके, इनग्रेव करना मतलब खोद देना किसी चीज पर। इंस्क्रिप्शन वर इनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स और ऑन मेटल्स और ब्रिक्स, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस को क्या किया जाता था, जो जो हार्ड सर्फेस वाली चीजें हैं जैसे स्टोन हो गए, मेटल हो गए, ब्रिक्स हो गए, आपके ईट हो गए, उन चीजों पर जो है इसको इनग्रेव कर दिया जाता था, खोद दिया जाता था, लिख दिया जाता था। ओके, तो अब इन इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा जाता था, इंस्क्रिप्शन के फॉर्म जो है वो क्या क्या लिखे जाते थे, उस पर मेनली जो होते थे किंग्स के बैटल्स के बारे में लिखा जाता था। ठीक है, किंग्स के बैटल्स के बारे में लिखा जाता था, और उसमें भी मोस्टली रहते थे विक्ट्रीज के बारे में, उनके जो वो बैटल्स जीतते थे, जो वो लड़ाइयाँ जीतते थे किंग्स, उनके बारे में वो उस पर खुदवाते थे, और क्या रहता था, या फिर रहते थे किंग्स के ऑर्डर्स। ठीक है, जो राजा महाराजा ऑर्डर्स देते थे कि जो उनकी प्रजा है, जो लोग है वहाँ के, जो तो उनको पढ़ के उसको फॉलो करे वो, इसलिए वो इन ऑर्डर्स को एनग्रेव करवाते थे उस पर। ओके, क्योंकि जो अगर वो मैन्युस्क्रिप्ट में अगर लिख करके हर एक ऑर्डर का अगर वो देंगे तो वो चीज़ें खराब होने के चांसेस थे, फट जाने के चांसेस थे, तो वो इनग्रेव करवा देते थे ताकि वो परमानेंट हो जाए और लोग उसको सुन करके, उसको पढ़ करके उसकी चीज़ों को माने। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस कैन बी फाउंड ऑन रॉक्स, पिलर्स, ब्रिक्स, बिल्डिंग्स एंड मेटल प्लेट्स। किस किन चीज़ों पर इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं, रॉक्स पर, ठीक है, पिलर पर, जो खंबे होते हैं पिलर वगैरह, ईंटों पर, बिल्डिंग्स पर, ठीक है, और मेटल प्लेट्स पर, ये सब चीज़ें जो हैं इन पर इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं। ठीक है, लेट मी शो यू हाउ इंस्क्रिप्शन लुक, सी ये एक पत्थर पर लिखा गया है। ठीक है, ये जो आपके खुदी हुई चीज़ें हैं ये कुछ लिखी हुई हैं। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये एंशियंट लैंग्वेजेस हैं, इनके लिए आपको स्पेशली ट्रेंड होना पड़ेगा। ओके, ये काम हिस्टोरियंस का, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हिस्टोरियंस आर कॉल्ड स्कॉलर्स। ओके, इससे उनको स्कॉलर बोला जाता है, आम लोग नहीं है जिसके लिए हम पीपल वर्ड यूज करें। आपके बुक में एक इस तरीके का इंस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, ये एक इंस्क्रिप्शन है, बहुत पुरानी इंस्क्रिप्शन है। दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स अबाउट 2250 ईयर्स अगो। ठीक है, 2250 साल पुरानी ये इंस्क्रिप्शन है। वॉज फाउंड इन कांधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। ठीक है, ये कहाँ पाई गई है, कांधार में, जो कि प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है। ओके, चलिए मैप में देख लेते हैं, ये रहा आपका यहाँ पर, ये वर्ल्ड मैप यहाँ पे हो गया आपका अफगानिस्तान। ठीक है, यहीं पे कहीं पर कांधार है। ओके, सो इस जगह पर क्या पाया गया, इस जगह पे पाया गया है ओल्ड इंस्क्रिप्शन। ओके, इट वॉज इंस्क्राइब ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम अशोका। अशोका नाम का जो रूलर थे उनके ये जो इंस्क्रिप्शन पाए गए। ठीक है, ये एक ऑर्डर है, उन्होंने एक ऑर्डर दिया था। अभी मैंने आपको इंस्क्रिप्शन दिखाया था एक पिलर पर, ये भी अशोका पिलर पर, ये भी अशोका इंस्क्रिप्शन ही है, अशोका के टाइम का जो रूलर थे। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, हम इसके बारे में चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं। ओके, व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज अ स्क्रिप्ट। ठीक है, जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट को हिंदी में कहते हैं लिपि। ठीक है, लिपि कहते हैं इसको। और इनको क्या किया जाता था, ये जो लिखित जो रिटन है उनको कहते हैं स्क्रिप्ट। ये क्या होती है, रिटन फॉर्म में इनको लिख दिया तो ये हो गया आपका स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस। अब स्क्रिप्ट मतलब क्या हो गया, लिखी हुई चीजें हैं तो वो स्क्रिप्ट हो गई। तो अब लिखोगे तो आप क्या करोगे, आप लेटर्स लिखोगे, साइंस लिखोगे, नंबर्स लिखोगे। ठीक है, तो ये सब आपके स्क्रिप्ट के अंडर आती हैं। बट
when we read or what is written or speak, we use a language. ठीक है, जो चीजें लिखी गई हैं, जो written है या जो script है, अगर उनको हम read कर लेते हैं या बोल लेते हैं तो वो हो जाती है language. ठीक है, लिख दिया मतलब script, बोल दिया या पढ़ दिया मतलब language. ठीक है, this inscription was inscribed in two different script. ये जो inscription है, ये जो अशोका के order है, वो टू डिफरेंट स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं. ठीक है, ये रिटन है इसलिए स्क्रिप्ट वर्ड यूज किया जा रहा है. ग्रीक टॉप एंड अरेबिक पिलो. ठीक है, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस. आप ये लिखी गई है इसलिए ये स्क्रिप्ट है, लेकिन हम जो करेंगे हम उसको पढ़ेंगे तो इसलिए लैंग्वेज भी है. ऊपर में कहीं पर ग्रीक है, फिर एंड अरेबिक बिलो. ठीक है, नीचे की पार्ट में अरेबिक लिखे गया. ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है. तो ये जो ऊपर का पार्ट है, जस्ट अ सेकंड, ये जो ऊपर में है ये है आपका ग्रीक. ठीक है, और ये जो नीचे में है ये है आपका अरेमिक, अरेमिक लैंग्वेज में लिखी गई है. ओके, विच वर यूज इन दिस एरिया. ठीक है, इस जगह पर ये सारी लैंग्वेजेस लिखी गई हैं. ओके, सो अपने बुक के साइड्स में आप इन चीजों को, ये नहीं कि फिगर देख के आप इग्नोर कर दो, उनको भी आप पढ़ो, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एग्जाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. ओके, अब क्वेश्चन एक अराइज होता है, कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सर्फेस. आपके बुक में क्वेश्चन मिलेगा आपको कि क्या आप ये सोच सकते हैं कि हार्ड सरफेस पर लिखने के एडवांटेजेस क्या हैं, एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज, या फिर और उनकी डिफिकल्टीज क्या क्या थी. मींस इंस्क्रिप्शंस के बेनिफिट एंड डिसएडवांटेजेस पूछा जा रहा है. ठीक है, तो सर यहाँ पर हम एक लिख लेते हैं एडवांटेजेस और एक हो जाएगी डिफिकल्टीज. इन चीजों को आपको सोचना बहुत जरूरी है. ठीक है, ये लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर जाते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, सरवाइव फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, ये लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर जाते हैं, मींस ये पेरिश नहीं होते हैं, खराब नहीं होते. ठीक है, पेरिशेबल आइटम मींस खराब होने वाली चीजें, तो ये पेरिश नहीं होती है. ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये चलती है. ओके, डिफिकल्टीज क्या है, डिफिकल्टीज ये हैं कि ये नॉन इरेजेबल है. ठीक है, इनको इरेज नहीं किया जाता है, ये बहुत ही लेबोरियस जॉब है. ये क्या है, बहुत ही लेबोरियस जॉब है, किसी चीज को खोदना अपने आप में ही बहुत मेहनत वाला काम है. ठीक है, पेन और पेपर की तरह इजी नहीं है कि आप लिख दो बड़े आराम से, इस पर खोदना पड़ता है. तो इनके इनको एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है इसके लिए. ठीक है, क्योंकि ये नॉन इरेजेबल होते हैं, तो अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसको, मतलब जैसे आप कुछ, आपने कुछ कुछ भी लिख दिया तो उसको आप कट करते हो, वो काम भी तो एक लेबोरियस ही है, ताकि वो चीज़ें दिखे नहीं. सो क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होगा, ये लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर जाते हैं और ये पेरिश नहीं होते हैं. ठीक है, दिस वन इज ई एंड आर. ठीक है, खराब नहीं होते हैं. और डिफिकल्टीज क्या क्या हैं, ये नॉन इरेजेबल होती हैं और लेबोरियस जॉब है अपने आप में. ठीक है, तो एक्यूरेसी बहुत ही जरूरी होती है इसमें. ओके, तो ये हो गए आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंस्क्रिप्शंस. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की ओर. थर्ड पॉइंट है हमारा, बाय स्टडिंग ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड यूज इन पास्ट. वैसी चीजें जिनको पास्ट में, बीते वक्त में, एंशियंट टाइम में बनाया गया या यूज किया गया. ठीक है, इनको हम कहते हैं रिमेन्स ऑफ एंशियंट पास्ट. मीन्स एंशियंट पास्ट, पास्ट के जो बचे हुए चीज हैं उनको स्टडी करना. ठीक है, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. जो इन चीजों को स्टडी कहते हैं इनको, उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. ठीक है, जैसे हिस्टोरियन जो है वो पास्ट को स्टडी करते हैं इन सोर्सेस को यूज करके, उसी तरीके से इन ऑब्जेक्ट्स को रीड करने वाले जो होते हैं वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. ठीक है, क्योंकि सभी चीजें जो है एंशियंट टाइम में लिखी नहीं जाती थी, मतलब जो राइटिंग है वो बहुत बाद में आया, लेकिन राइटिंग के पहले को जो जो टाइम है, जो राइटिंग है इसके इन्वेंशन के पहले का जो टाइम है,
वो उसमें ये इस ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है, जो लिखी हुई चीजें हैं उनको तो पढ़ लोगे आप, लेकिन जो नहीं लिखी हुई है उनके लिए चीजों को स्टडी किया जाता है, चीजों को इंस्पेक्ट किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो जो चीजें हार्ड थी, ठीक है, जैसे आपके मेटल्स हो गए या आपके जो पत्थर हो गए, ठीक है, तो वो सब क्या किए, वो सब सर्वाइव हो गए, फिर भी सर्वाइव हो गए, या जो खराब होने वाली चीजें नहीं थी वो चीजें तो सर्वाइव कर गए। ओके, लेकिन उनमें से क्या है, प्लांट रिमेन्स सर्वाइव रेयरली, सॉरी प्लांट रिमेन्स सर्वाइव रेयरली, प्लांट रिमेन्स जो है जो लिविंग थिंग्स थे उनमें प्लांट रिमेन्स मेनली किया जाता है। ठीक है, बोन्स वगैरह मिलते हैं, उनके बारे में अभी बताऊंगी, ये बहुत रेयर सर्वाइव किए अपने नेचुरल फॉर्म में। ठीक है, इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, अगर वो चीजें जलाई गई या जल गई तो वो किस फॉर्म में सर्वाइव कर गई, दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म। ठीक है, चार्ड फॉर्म में वो सर्वाइव कर गई, लेकिन अपने नेचुरल फॉर्म में बहुत रेयरली सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, प्लांट्स, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी किस चीज को करते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं आर्कियोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो इनके अंडर आते हैं आपके बिल्डिंग्स, ठीक है, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स आप कुछ भी कह लो। ठीक है, जो बिल्डिंग्स खराब हो गई या ढह गई उनके रिमेन्स को स्टडी करते हैं, या जो आज भी खड़ी है उन बिल्डिंग्स को वो स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टोन एंड ब्रिक्स से जो बनी हुई है, मेनली सीमेंट और पत्थर तो बाद में मॉडर्न टाइम का है। सो मेड ऑफ किस चीज की बनी हुई, मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। ठीक है, ईंट पत्थर की बनी हुई जो मकान थे, जो बिल्डिंग्स थी उनको वो स्टडी करते थे। ठीक है, उसके अलावा और क्या, आप इनको मॉन्यूमेंट्स भी कह सकते हो। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स को स्टडी करते थे, बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, और क्या ये लोग स्टडी करते थे, ये लोग स्टडी करते थे कॉइन्स को। ठीक है, आपके हो गए कॉइन्स, पॉट्स, पैंस। ठीक है, जो उस टाइम के टूल्स होते थे, टूल्स एंड वेपन्स। ठीक है, जो वेपन्स होते थे, जो हथियार होते थे, जो टूल्स वो यूज करते थे, उनको स्टडी किया जाता था। ठीक है, मेनली ये जो वेपन्स या टूल्स थे ये किस चीज के बने होते थे, ये बने होते थे ये भी आपके स्टोन एंड मेटल के। ठीक है, स्टोन या मेटल के बने होते थे। ठीक है, और क्या ये लोग स्टडी करते थे, ये लोग स्टडी करते थे ऑर्नामेंट्स। ठीक है, जो उस टाइम के ज्वेलरीज वगैरह होती थी। बोन से बनी हुई चीजों को, ठीक है, जो हड्डी होती है, बोन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बोन की बनी हुई चीजों को वो स्टडी करते थे। स्कल्पचर, स्कल्पचर्स को, जो मूर्तियां वगैरह बनाई रहती थी उनको वो स्टडी करते थे। और भी अलग, और भी डिफरेंट थिंग्स थी जिनको वो स्टडी करते थे। ठीक है, तो ये सब हो गए आपके ऑब्जेक्ट्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इनको क्या कहा जाता है, इन चीजों को कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इन चीजों को वो कैसे ढूंढते थे, अभी जो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन चीजों को ढूंढने के लिए वो क्या करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं, उस जगह को देखते हैं, छानते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं, एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट। ठीक है, एक्सकेवेशन वो करते थे। अब एक्सकेवेट का मतलब होता है कि किसी अर्थ के सरफेस के अंदर, ठीक है, डिग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, ये आपके बुक में लिख रखा है, मैं एक बार फिर लिख देती हूँ। ठीक है, डिग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस के अंदर जो है डिग किया जाता है, खोदा जाता है। अब खोदने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कोई भी खोद दे कहीं भी जाकर के। ठीक है, वो एक प्रॉपर एक्सप्लोरेशन होता है, वहां पे उनको कुछ चीजें मिली होती हैं, हिंट मिले होते हैं।
ठीक है, जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो उनको जब कोई हिंट मिलती है कि यहाँ पर एंशियंट चीज़ें होंगी या कुछ ऐसे क्ल्यूज मिले होते हैं, तो वो उन चीज़ों को अंदर खोदते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को ढूंढने के पर्पज से अगर डिग किया जाए अर्थ के सरफेस को, तो ही उसे एक्सकेवेट कहते हैं। ठीक है, और मोस्टली ये फॉर्म होता है एंशियंट फॉर्म के लिए या हिस्टोरियंस के लिए एक्सकेवेशन वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से इन चीज़ों को ढूंढते थे, एक्सप्लोर करते थे, जगह को एक्सकेवेट करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब आपके बुक में एक चीज दे रखी है, ये एक इमेज है आपके पेज नंबर 6 में, लेफ्ट साइड में आपका क्या है, पॉट है। लेफ्ट अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, ठीक है, एक ओल्ड सिटी से मिली हुई पॉट है। ठीक है, ये एंशियंट पॉट है। पॉट लाइक दीज वर यूज अबाउट 4700 ईयर्स अगो, ठीक है, लगभग 4700 ईयर्स अगो ये पॉट्स जो हैं वो यूज की गई थी। ठीक है, एंशियंट पॉट, इसमें आप देख सकते हो इसमें आर्ट वर्क भी कर रखा है। ओके, राइट साइड में क्या है, एन ओल्ड सिल्वर कॉइन। ये राइट साइड में क्या है, ये पुरानी ओल्ड सिल्वर कॉइन्स हैं। कॉइन्स सच एज दिस वन वर यूज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ये कॉइन्स जो है ये लगभग 2500 ईयर्स अगो यूज की जाती थी। ठीक है, अब इनमें एक क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे। ठीक है, किस तरीके से जो हमारी आज की कॉइन है वो पहले के जमाने की कॉइन से अलग थी। ठीक है, पहले के जमाने में जो कॉइन्स थे वो सिल्वर के बनाए जाते थे या गोल्ड के होते थे आपके, इसी कॉइन का आप एक एग्जांपल ले लो। लेकिन आज के ज़माने में जो कॉइन्स बनते हैं वो मिक्स अलॉय से बने होते हैं। ठीक है, अभी के टाइम में जो कॉइन्स होते हैं वो मिक्स अलॉय से बने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को यूज़ करके। ठीक है, लेकिन पहले जो है वो मोस्टली जो पहले जो बनाए जाते थे वो होते थे या तो गोल्ड के या सिल्वर के होते थे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। मीन्स अगर क्या आपको लगता है कि क्लोथ जो है वो आमतौर पे आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते थे। जी मिलते थे, ठीक है, और क्लोथ के तो काफी टुकड़े, कुछ टुकड़े मिले भी हैं। ठीक है, इस तरीके से कोल्ड क्लोथ के उनको हिंट्स भी मिले थे, जैसे ये मोहनजोदड़ो का है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में आप चैप्टर 2-3 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एक उनको स्कल्पचर मिला था, ये ओरिजिनल है। ठीक है, ये ओरिजिनल स्कल्पचर की फोटो, ये किसी आर्टिस्ट ने उसका एक रेप्लिका बनाया था। ठीक है, तो इसमें क्लियर दिखता है कि यहाँ पर उस जमाने में क्लोथ्स यूज किए जाते थे। ठीक है, उनके अलग अलग हेयर स्टाइल्स भी होते थे, वो बैंड्स वगैरह पहनते थे, क्लोथ्स पहनते थे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्लोथ्स भी मिले हैं हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को, तो यस क्लोथ्स भी यूज किए जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन पास्ट और मेनी, मतलब एक पास्ट या एक से ज्यादा पास्ट। द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है, जो पास्ट होता है, जो बीता हुआ कल होता है, वो डिफरेंट लोगों के लिए अलग, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अलग था। ठीक है, जो अलग एक एरिया में जो लोग रहते थे उनका पास्ट अलग था, तो दूसरे एरिया में रहने वाले लोगों का पास्ट अलग था। ठीक है, आज के ज़माने में भी ये सच है, आपका पास्ट कुछ और रहेगा, रहा होगा, आपके फ्रेंड्स का पास्ट कुछ और रहा होगा, आपके फैमिली में कुछ लोगों का पास्ट कुछ और रहा होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट ग्रुप के पीपल का जो पास्ट है वो अलग रहता है। द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम लाइव्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस। ठीक है, जो राजा महाराजा जो थे उनकी ज़िंदगी से जो भेड़ बकरी पालने वाले लोग थे, जो किसान लोग थे, उनकी लाइफ अलग थी। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स जो थे, जो जो व्यापारी होते थे, उनकी लाइफ अलग थी क्राफ्ट पर्सन या आर्टिस्ट के लोगों के लाइफ से। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों की जो ग्रुप ऑफ पीपल के लोग थे उनकी लाइफ अलग थी। किंग्स केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज इन बैटल्स। किंग्स क्या करते थे, वो जो लड़ाई में जीत जाते थे उनके रिकॉर्ड्स वो रखते थे, जैसा कि हमने इंस्क्रिप्शन वाले पार्ट में पढ़ा। ठीक है, बट ऑर्डिनरी पीपल डिड नॉट कीप रिकॉर्ड। ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी लोग थे, वो रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे। ठीक है,
तो जो रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे उनके बारे में आर्कियोलॉजी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। आर्कियोलॉजी हेल्प्स टू फाइंड अबाउट देयर लाइव्स, जो थर्ड पार्ट हमने पढ़ा वो इसी का था, ठीक है। क्योंकि तो राजा महाराजा अपने बैटल के बारे में लिख तो देते थे लेकिन ऑर्डिनरी पीपल नहीं लिखते थे, ठीक है। तो या राइटिंग से पहले की जो चीज़ें उन सब चीज़ों के लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई ऑर्डिनरी एंशियंट मेन एंड वुमेन डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, ठीक है। यहाँ पे एंशियंट आप वर्ड नहीं भी यूज होगा तो भी आंसर सेम ही आपको मिलेगा, ठीक है। आज के टाइम पर भी मेनली एंशियंट टाइम, मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एंशियंट लोगों के बारे में बात करते हैं, जो किंग्स और क्वींस थे उनकी लाइफ अलग थी, ठीक है। वो अपने लिए आर्टिस्ट हायर करते थे, इंस्क्रिप्टर्स हायर करते थे, ठीक है। और उनके पास वजह होती थी चीज़ों को लिखने की, ठीक है। जो वो विक्ट्री करते थे, जो जीत जाते थे लड़ाइयाँ, उनको वो एक तरीके से जैसे आपको अवार्ड मिलता है, जैसे आपको ट्रॉफी मिलती है या कोई सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप उसको फ्रेम करके रखते हो, ठीक है। तो किंग्स एंड किंग्स जो होते थे वो इसी तरीके से उसको यूज़ करते थे, तो वो उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखते थे अपने एज अवार्ड की तरह, ठीक है। और ताकि जो है अगर उन्होंने किसी लड़ाई में जीत कर किसी लैंड को कब्जा किया है तो उसका एक प्रूफ भी होता था वो, ताकि कोई और आकर के उस पर क्लेम ना करे कि हमने ये लैंड जीता है, ठीक है। अदरवाइज फिर उनमें भी लड़ाई होती थी और उसको भी एज अ उन चीज़ों को भी वो एज अ इंस्क्रिप्ट करवा देते थे। बट एंशियंट मैन एंड वुमेन के पास बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ग्रुप्स के लोग थे, हर्डर्स एंड फार्मर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, तो उनके पास काफ़ी काम होते थे, होता था कि वो हर चीज़ को लिखे, ठीक है। आज के टाइम में क्या है, मैं आज के टाइम पर आती हूँ। आज के टाइम में भी आप एंशियंट के आप मॉडर्न टाइम पर भी आप हर चीज़ को आप नहीं लिखते हो अपने, ठीक है। हाँ, अभी हमारे पास यूट्यूब हो गया है, गूगल हो गया है, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन, तो हम वीडियो बना लेते हैं या फोटोज़ खींच करके हम डाल देते हैं, ठीक है। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उनको भी डाल देते हैं, तो वो हमारे लिए एक तरीके से मेमोरी का काम करती हैं, लेकिन उनके पास ये चीज़ें थी नहीं, तो वो हर एक चीज़ को, कितनी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए एंशियंट मैन एंड वुमेन नहीं रखते थे किसी चीज़ का रिकॉर्ड, जनरली किंग्स रखते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, राजा महाराजा होते थे, वही रखते थे, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अस। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, हैव अ नाइस डे।